वर्ल्ड कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी 10 टीमें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और भारतीय टीम भी इस वक्त वेस्टइंडीज में है और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी तैयारियों को परख रही है। लेकिन एक टीम इंडिया बेंगलोर में भी। आप कहेंगे भाई ये कैसे संभव है, टीम इंडिया तो वेस्टइंडीज में खेल रही है। देखिए बेंगलोर में जो टीम इंडिया है वो बड़ी खतरनाक है। ये वो टीम इंडिया है जिसका सबको सालों से इंतजार है। वर्ल्ड कप शुरू होने से 81 दिन पहले बेंगलोर से ऐसी 3 खबरें आई हैं जिससे हर भारतीय फैन खुश होगा। पूरा देश साल भर से जिसकी वापसी का इंतजार कर रहा था उसकी मैदान पर झलक दिख गई। जी हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने नेट्स में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है और वर्ल्ड कप से पहले नेट्स में उनका दिखना अच्छा संकेत। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बुमराह ने नेट्स में 8 से 10 ओवर फेंके। ऐसी भी खबर है कि वो अगले महीने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। वो इस समय बेंगलोर के एनसीए में है और धीरे धीरे अपना वर्कलोड भी बढ़ा रहे हैं। मार्च में ही बुमराह की सर्जरी हुई थी, उन्होंने पिछले महीने से ही नेट्स में गेंदबाजी करना शुरू किया है। अब वो नेट्स में पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडियन टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर चाहते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाज एशिया कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा। रिपोर्ट्स के अनुसार नेट्स में बॉलिंग के वक्त बुमराह को कोई परेशानी नहीं हुई है, वो रोज अभ्यास कर रहे हैं और हो सकता है वो एनसीए में कुछ प्रैक्टिस मैच भी जरूर खेले। भाई बुमराह के अलावा एक दूसरी गुड न्यूज भी है टीम इंडिया के लिए, वो खबर है श्रेयस अय्यर को लेकर, जो इंजर्ड है और बहुत वक्त से टीम इंडिया से बाहर है। अब उनको लेकर भी गुड न्यूज आ गई। श्रेयस अय्यर ने भी नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो भी पिछले काफी समय से बैक इंजरी से जूझ रहे थे। इस चोट की वजह से वो आईपीएल 2023 और WTC फाइनल में भी नहीं खेल पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉटर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें चोट लगी थी, उसके बाद से अय्यर लगातार खेल से दूर। लेकिन अब वो बेंगलोर में लगातार रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, जिसका वीडियो खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। भारतीय फैंस के लिए दो नहीं बल्कि 3-3 गुड न्यूज है। तीसरी गुड न्यूज है प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक वक्त टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर थे, लेकिन इंजरी के चलते वो बाहर हो गए। लेकिन अब वो भी रिकवर हो रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पीठ की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें पिछले साल अगस्त में चोट लगी थी। प्रसिद्ध कृष्णा इस वजह से आईपीएल 2023 से भी बाहर हो गए थे, लेकिन अब कृष्णा ने भी गेंदबाजी शुरू कर दी। यानी बेंगलोर के एनसीए में इस वक्त भारत के सभी खिलाड़ी लगभग रिकवर हो रहे हैं और एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए ये वाकई गुड न्यूज है।